गूगल मैप का अब तक लोग इस्तेमाल नेविगेशन के लिए करते थे, लेकिन अब एक नया फीचर भी इसमें ऐड होने जा रहा है। दरअसल समय के साथ गूगल कई फीचर्स को ऐप में ऐड कर चुका है। इसी लिस्ट में फ्यूल सेविंग फीचर भी शामिल था। हालांकि पहले ये फीचर सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध था और सितंबर 2022 में इसे ऐड किया गया था। कनाडा, अमेरिका और यूरोप के बाद आखिरकार अब भारत में भी इस फीचर को शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, गूगल मैप का यह फीचर फ्यूल या एनर्जी का एक अंदाजा देता है, यानी एक रूट पर आपका कितना फ्यूल खर्च होने वाला है। गूगल मैप इसका अंदाजा इस रूट पर मौजूद ट्रैफिक और रोड की कंडीशन पर लगाता है। इसके बाद एक दूसरा रूट भी दिया जाता है और बताया जाता है कि इस पर कितना ट्रैफिक है, कितना फ्यूल लगेगा, जबकि ये अलग रूट होता है। अब ये यूजर पर निर्भर करता है कि वह किसे फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप इस फीचर को बंद कर देंगे तो इसके बाद मैप एक ही रूट दिखाएगा जिसे यूजर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फ्यूल और एनर्जी रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी। बता दें कि फ्यूल और एनर्जी का अंदाजा गाड़ी के इंजन पर निर्भर करता है। अभी ग्रीन लीफ के साथ ये फीचर दिया जाता है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप हर महीने 2,000 रुपए तक का पेट्रोल या डीजल बचा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप इसे अपने फोन में कैसे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्मार्टफोन में गूगल मैप ऐप ओपन करें। इसके बाद प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स में जाएं और नेविगेशन पर टैप करें। इसके बाद रूट ऑप्शन स्क्रॉल करें। इको फ्रेंडली रूट टर्न ऑन करने के लिए फ्यूल एफिशिएंट रूट्स पर क्लिक करें। यहीं पर आपको इंजन टाइप ऑप्शन भी दिखेगा, जिस पर क्लिक करके दिए गए ऑप्शंस में चुनें। अब बात करते हैं गूगल मैप फ्यूल सेविंग फीचर यूज करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना होगा। गूगल मैप फ्यूल सेविंग फीचर यूज करने से पहले यह ध्यान देना जरूरी है कि व्हीकल में कौन सा इंजन दिया गया है। गूगल मैप्स को इस बात की सही जानकारी देना बेहद जरूरी है, और अगर आपने सही जानकारी नहीं दी है तो फ्यूल सेविंग फीचर आपको इस बात की सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा कि आखिर आप दूसरे रूट पर कितना फ्यूल बचा पाएंगे। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।